जय श्री राम मेरे भाई। तो कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फोर्सेस सिमुलेटर मोबाइल। तो वैसे आप लोग को याद होगा लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये दो कार्स को खरीदा था। उनमें से पहली कार तो है ये ब्लैक कलर की लेक्सस और दूसरी है ये चमचमाते हुए लाल कलर की लैम्बोर्गिनी। और इन दोनों कार्स को मैंने ऑक्शन में से खरीदा था, इसलिए इन दोनों कार्स को रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कार्स ऑक्शन में आती है ना वो सभी कार्स बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स होती हैं। ओके, तो अभी ना हम लोग जल्दी से इन दोनों कार्स को निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग नई कार्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इस लेक्सस का प्राइस रखते हैं हम लोग, इसको ना मैं 28 के लिए कराया था, तो इसका प्राइस मैं रखने वाला हूँ पूरे 50,000 रुपीज। और ये जो लैम्बोर्गिनी है इसको मैं 39 के लिए कराया था, तो नहीं सॉरी 3 लाख के लिए कराया था, तो इसका प्राइस मैं डालूंगा पूरे 10 लाख डॉलर। मुझे लगता है ये वाली कार ना आराम से 7 लाख की जाने वाली है और शायद उससे भी ज़्यादा ऊपर की जा सकती है, इसीलिए ना मैंने इस कार का प्राइस सीधे 10 लाख डॉलर कर दिया है, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा पैसे देगा ना हम उसी को इस कार को बेच देंगे। तो वेट करते हैं कस्टमर्स आने का। तो वैसे अपनी दोनों कार्स के लिए कस्टमर्स आ चुके हैं, तो देखते हैं ये वाली दीदी कितने की दे रही है। 6,83,000, यहाँ पे एक अंकल भी खड़े हुए हैं 49। ये वाला प्राइस ठीक है पर बस थोड़ा सा आगे कर दो, 65 में ओके करो अंकल, 65,000 नहीं, तो फिर मैं ना बस 60 तक ही कर सकता हूँ, इससे नीचे नहीं करूँगा। ओके, तो 60 में बिक चुकी है गाइस। तो वैसे अपनी लैम्बोर्गिनी के लिए एक और बंदा आया हुआ है जो कि 6,70,000 दे रहा है, और ये वाली दीदी 6,83,000 दे रही हैं, बट यार ये भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी ना हम लोग वेट करते हैं किसी और कस्टमर का। तो गाइस यहाँ पे एक और कस्टमर आया हुआ है, और ये कितनी दे रहा है भाई, 74। भाई ये 7 की तो दे दो यार, 7 दे दो, 7 लाख है। ओके भाई 7 लाख में बिक चुकी है अपनी कार, बट मैंने जितना प्राइस इस कार के लिए सोचा था उतना तो मुझे मिला ही नहीं, बस 7 लाख में ये कार चली जा चुकी है। तो कि आज ना कार मार्केट ओपन है, तो हम लोग ना पहले कार मार्केट पे चलते हैं, उसके बाद हम विलेज में चलेंगे। तो कार मार्केट पे तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आते ही सामने मुझे मैकलेरन दिख चुकी है। भाई इस मैकलेरन का प्राइस ना अपनी लैम्बोर्गिनी से 4 गुना ज्यादा है। ये वाली कार तो हम अभी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे एक और लैम्बोर्गिनी है, इसका प्राइस 17 लाख। भाई ये वाली कार ना हम लेंगे, कुछ दिन में ले लेंगे भाई, चिंता मत कर। यहाँ पे एक सुपरा भी खड़ी हुई है, ये सुपरा कितने की है, 73। भाई पागल हो गया क्या, ये कार ना मैंने 40 में खरीदी है। यहाँ पे साइड में एक और सुपरा खड़ी हुई है और इसका प्राइस 70। भाई ऐसा करते हैं एक सुपरा ना खरीद ही लेते हैं, ये कार ना अच्छे प्राइस में चली जाती है। यहाँ पे एक ऑडी भी खड़ी हुई है, इसका प्राइस कितना है, 68। ओके, तो ये भी खरीद लेते हैं 60 में, ओके कर दे तू। और यहाँ पे साइड में एक BMW भी खड़ी हुई है, इसका प्राइस कितना है, 25। ये प्राइस ठीक है बट एक बार 15 डाल के देखें भाई, तो 15 में दे दे यार, नहीं देगा मुझे पता था, तो 20 में दे दे फिर, 20 में भी नहीं यार, तो लास्ट 23 ले ले यार, इसमें ओके कर दे। ओके ये भी ले लिया हमने। और यहाँ पे एक जी वैगन भी खड़ी हुई है, इसका प्राइस कितना है, 1,17,000। इसको ना तू 1 लाख की दे दे, चल 1 लाख में ओके कर। ये वाली कार भी हमने खरीद ली, और आगे देखते हैं, यहाँ पे एक टेस्ला भी खड़ी हुई है, 1,86,000। तो तू भाई ऐसा कर, 1,70,000 में ओके कर दे, कि ये टेस्ला भी हमने खरीद लिया है। यहाँ पे आगे एक और ऑडी RS5 है, ये कितने की है, 84। ये वाली ऑडी भी ले ही लेते हैं, ऐसा कर इसको ना 70 में दे दे, नहीं तो फिर 75 में ओके कर ही दे। ये तो 75 में मिल चुके हैं। ये कौन सी कार है, ये तो बिल्कुल ही कचड़ा गाड़ी है। और यहाँ पे एक और कार खड़ी हुई है, ये कौन सी कार है, 30 में मिल रही है ये वाली कार, कि ये भी खरीद लेते हैं हम, अपने पास पैसा तो बहुत है। तो तू ना 22 में ओके कर, नहीं तो फिर 25 में दे दे, नहीं भाई 25 में भी नहीं, तो फिर 26 में लास्ट। वेट ऐसा करते हैं 26 और 99 कर देते हैं, के अभी तो ये वाली कार हमें मिल चुकी है। और यहाँ पे आगे भी कुछ कार्स खड़ी हुई हैं, ये कौन सी कार है, BMW 43 में, ये वाली कार भी खरीद लेते हैं, 35 में ओके कर दे, नहीं तो फिर 40 में डन कर दे। ओके, तो ये वाली कार भी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे एक और कार है, ये कौन सी है, ये तो कोई पिकअप व्हीकल जैसी लगती है, तो इसका प्राइस मैं डालूंगा 1 लाख में, ओके कर दे भाई। ओके, तो लेट्स गो, हमें ये वाली कार भी मिल चुकी है। भाई आज तो हम लोगों ने पूरा कार मार्केट ही खाली कर दिया है। तो अभी ना इन सभी कार्स को एक एक करके टो करा देते हैं, इसको भी यहाँ से टो कराओ, इसको भी टो करा देते हैं, ये नहीं है ये एक कार, इसको भी टो करा देते हैं, और ये वाली सुपरा नहीं,
इसको भी वेट भाई, अपने पास ना स्पेस नहीं है तो हमें ना इन सभी कार्स को मैन्युअली लेके जाना पड़ेगा एक एक करके भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से लेके चलते हैं इसको भी। ओके तो यहाँ पे अपनी सभी कार्स आ चुकी हैं, तो भाई रात भी हो चुकी है, तो अभी के लिए ना मैं अपनी कार को यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, सुबह देखेंगे इसको रिपेयर करवाएंगे उसके बाद बेचेंगे। तो ये रही अपनी सेकंड कार जो कि है टोयोटा सुप्रा MK4, तो इसको भी छोटी सी ट्रिप मार के लेके चलते हैं भगाते हुए अपने ऑफिस पे। ओके तो मैंने अपनी सुप्रा को भी यहीं पे पार्क कर दिया है, तो अभी जल्दी से भाग के चलते हैं अपनी बाकी कार्स को लेकर आते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी लास्ट कार को भी यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, एक बार ना ये चेक करो भाई अपने पास कितनी ज़्यादा कार कलेक्शन हो चुकी है, एक से एक गजब की कार यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी जल्दी से जाके ना सो जाते हैं, सुबह होते ही इन सभी कार्स को रिपेयर करवाएंगे उसके बाद बेचेंगे। सो ओके गाइस गुड मॉर्निंग, फिर से सुबह हो चुकी है, तो जल्दी से भाग के चलते हैं अपने ऑफिस के बाहर और अपनी सभी कार्स को रिपेयर करवा के जल्दी से अपने ऑफिस पे खड़ा करते हैं, तभी ना अपने पास बहुत सारा पैसा आने वाला है भाई। एक बार ना इन सभी कार्स को चेक करो भाई, एक से एक कार खड़ी हुई है यहाँ पे, तो वन बाई वन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले रिपेयर करवाने के लिए हम लोग लेके जाएंगे अपनी ये वाली BMW को। ओके तो इसके अंदर बैठते हैं और इसको लेके चलते हैं रिपेयर शॉप पे। ओके तो इसको ना यहीं पे पार्क कर देते हैं भाई, तो जल्दी से इसको रिपेयर कर दे, अभी तो मेरे पास बहुत सारी कार खड़ी हुई है यहाँ पे, तो हम लोगों को ना जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा तभी हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। ओके तो गाइस मैंने अपनी इस वाली कार को यहाँ पे लगे खड़ा कर दिया है, तो अभी ना जल्दी से अपनी सभी कार्स को रिपेयर करवाते हैं और अपने ऑफिस में खड़ा कर देते हैं बेचने के लिए। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी सभी कार्स को रिपेयर करवा लिया है, अभी ना बस लास्ट में ये वाली कार बची हुई है, इसको भी जल्दी से लेके चलते हैं रिपेयर शॉप पे और रिपेयर करवाते हैं, इसको ना यहीं पे छोड़ देते हैं भाई, तो इसको जल्दी से रिपेयर कर दे। ओके अपनी कार रिपेयर हो चुकी है, बट वेट हम लोग ना इस कार का कलर भी चेंज करवाने वाले हैं, तो कलर में मैं करवाने वाला हूँ ये येलो कलर, क्योंकि येलो कलर ना मेरा बिल्कुल फेवरेट है, तो इसको जल्दी से लेके चलते हैं अपने ऑफिस पे और इसको ना बिल्कुल सेंटर में खड़ा करने वाले हैं भाई। इस कार को लेके जाने के बाद ना हमारे ऑफिस में पूरे चार चांद लगने वाले हैं। ओके तो बस इसको थोड़ा सा पीछे और करना है। ओके तो यहीं पे छोड़ देते हैं इस कार को, बस एक बार ना ये चेक करो अपना ऑफिस ना पूरा भरा हुआ है, इधर भी चार कार खड़ी हुई है और इस साइड भी पूरी की पूरी चार कार खड़ी हुई है और यहाँ पे बीच में एक कार है भाई, पूरे पूरे 9 कार्स खड़ी हुई है अपने ऑफिस के अंदर। इन सभी कार्स को बेचने के बाद ना मैं पक्का मिलियनेयर तो होने वाला हूँ, तो फिर जल्दी से इन सभी कार्स का प्राइस लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है ये टोयोटा सुप्रा, तो इसका प्राइस लगाने वाला हूँ पूरे $1,00,000, तो जल्दी से ना इन सभी कार्स का प्राइस लगाते हैं। तो गाइस मैंने सभी कार्स का प्राइस तो लगा दिया है, बस एक लास्ट में ये वाली कार बची हुई है, इसका प्राइस मैंने लगा दिया पूरे $2,00,000। ओके तो सभी कार्स का प्राइस लग चुका है भाई, एक बार भीड़ देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अपनी कार्स को देखने के लिए, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कार्स को बेचना, ये वाला बंदा टेस्ला लेने के लिए आया है, ये वाला कस्टमर आया है ODRS 5 के लिए, तो इसको निकालते हैं ODRS 5 को, तो इसका प्राइस मैं लगाने वाला हूँ 1,30,000 में। ओके कर दे के, तो एक कार तो हमारी बिक चुकी है, तो अभी आते हैं इस टेस्ला पे 1,29,000 और तू कितने दे रहा है 1,29,000 1,27,000, तुम तो निकल जाओ यहाँ से 1,21,000, तुम भी निकल जाओ 1,29,000, तो तुम ना 1,40,000 में ओके कर दे भाई। ओके तो ये वाली कार भी बिक चुकी है, बट टेस्ला तो बिकी नहीं, वेट हमने कोई और कार बेच दी है उसके अलावा, वेट टेस्ला ना 2,29,000 की बिक रही है भाई, तो तू ना ये वाली कार 2,60,000 में ओके कर दे भाई। हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में ये वाली कार को बेच दिया। ओके तो सभी कस्टमर तो जा चुके हैं, अभी हम लोग ना जाके सो जाते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग, फिर से सुबह हो चुकी है, तो जल्दी से हम लोग बाहर चलते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी कार खड़ी हुई है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 3 कार को ही बेचा है, तो वेट करते हैं इनके कस्टमर्स आने का। तो गाइस कस्टमर्स तो आना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे ना एक बंदा सुप्रा के लिए आया हुआ है, सबसे पहले ना सुप्रा को ही निकालते हैं भाई, कितना दे रहा तू 80, नहीं भाई 80 में नहीं निकालेंगे, और ये बंदा 41 दे रहा है इस कार के लिए, तो तू 50 में ओके कर दे, ये कार बिक चुकी है। तो गाइस सुप्रा के लिए एक और लड़की आई हुई है, ये कितना दे रही है 78, इससे अच्छा तो यही वाला बंदा दे रहा है, तो भाई तू 1,00,000 में देते यार, नहीं तो फिर मैं ना सिर्फ 90-95 में दे सकता हूँ, नहीं तो फिर लास्ट तेरे लिए 90। ओके तो ये वाली कार ना 90 में बिक चुकी है, अभी हमारे पास 4 कार्स और बची हुई हैं, तो यहाँ पे 2 कस्टमर्स खड़े हुए हैं 1,00,000
भी कितना दे रहा है, ये भी 1 लाख। मुझे लगता है मैंने ना ऑडी RS5 का प्राइस थोड़ा कम लगा दिया है, और ये वाली लड़की 33 दे रही है वाली कार के लिए, तो तू ना 40 में ओके कर दी। नहीं तो फिर भाई तो 39 में, नहीं नहीं तो तू ऐसा कर यहाँ से निकल जा, मैं पहले ना पैसे लेके आई हो कि यहाँ पे एक और अंकल खड़े हुए हैं। भाई कुछ लोग तो अपने ऑफिस के अंदर जाके खड़े हो चुके हैं। ये कितना दे रहा है, 1,64,000 और ये 59। भाई तू बता 1,64,000 दे रहा है तो, और ये वाले अंकल कितना दे रहे हैं, 61 BMW के लिए, तो फिर अपना 80 में ओके कर दो। क्या हुआ, नहीं तो फिर 70 में ओके कर दो भाई, कि ये वाली कार तो बिक चुकी है। वही वाले अंकल बाहर आ चुके हैं। भाई कैसे चल रहा है भाई ये 1,72,000। भाई ये वाला बंदा ज़्यादा दे रहा है, तो 1,72,000 का तो 2 लाख कर दे। ओके 2 लाख है ना, तो भाई ये वाली कार भी बिक चुकी है अपनी। तो यहाँ पे ना बस 2 कार्स और बची हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं। और ये कितना दे रहा है, 34, और ये वाली लड़की ये भी 34, और ये ओ ये तो ऑडी के लिए है, तो इसी से बात करते हैं। वेट ये क्या हुआ भाई, ये बार अगर इसने, मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है अपने आप ही कार भाई कितने के भी चली जाती है। ओके तो इसका प्राइस ना मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो कार लिस्ट में जाके इसका प्राइस हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका प्राइस मैं पूरे 2 लाख कर देता हूँ। मुझे लगता है ये वाली कार ना 2,20,000 की, वो 1,20,000 की जानी चाहिए। वेट हमें ना इस कार को पहले सेल से हटाना पड़ेगा, फिर से सेल पर लगाना पड़ेगा। ओके तो वेट करते हैं इसका कस्टमर आने का। ओके तो गाइस अपनी ऑडी के लिए एक कस्टमर तो आ चुका है, ये 1,18,000 दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना ये 1,20,000 की जाने वाली है, तो देखते हैं कोई और कस्टमर आता है क्या। तो तू 1,18,000 दे रहा है ना, के भाई ये क्या हुआ। वेट यार, हम लोगों ने उस बंदे को पूरे सिर्फ 1 रुपए में वो वाली कार बेच दी यार, ये क्या हुआ। बट कोई नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अभी हम लोग जल्दी से भाग के चलते हैं विलेज में, वहां से कोई कार उठा के लाते हैं। ओके तो गाइस मैं अभी विलेज में आ चुका हूँ, यहाँ पे ढूंढते हैं कोई अच्छी सी कार। तो गाइस यहाँ पे मुझे सामने एक ब्लैक कलर की कार दिखी कोई सी, ये कौन सी कार है भाई, ये तो सस्ती कार है भाई, सस्ती कार नहीं खरीदेंगे अभी हम, क्योंकि सस्ती कार ना इतनी ज़्यादा महंगी कि नहीं बिकती, तो उससे ना हमारा मार्जिन भी कम होता है। और यहाँ पे एक डॉज चैलेंजर मिली है मुझे, जो कि 40,000 की है। देख भाई तूने मुझे ये 30 में दे दे, नहीं भाई 30 में नहीं, तो फिर 35 में डन कर देता हूँ। ओके तो ये डॉज चैलेंजर भी हमें 35 में मिल चुकी है। तो गाइस इस कार को ना मैं अपनी पर्सनल कार बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई अभी हम लोग एक बड़े शोरूम के ओनर बन चुके हैं, तो भाई ऐसे पैदल चलना ठीक थोड़ी लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक और सुपरा मिली है, जो कि 54। भाई विलेज में ना ये सुपरा बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, और कार मार्केट में तो भाई इसका प्राइस 70 तक चला जाता है। तो गाइस हमने अपनी सुपरा को शोरूम पे ठोकरा दिया है। तो गाइस आगे वहाँ पे कोई भी कार नहीं थी, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपनी डॉज चैलेंजर के पास, इसको मैं चला के लेके जाने वाला हूँ। भाई मुझे ना इस कार का साउंड सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, तो हम लोग ना इस वाली रोड से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सामने में ना गैस स्टेशन है, तो हम लोग वहाँ पे अपनी कार को वॉश कराएंगे, उसके बाद ऑफिस पे चलेंगे। तो गाइस मैं गैस स्टेशन पे तो आ चुका हूँ, तो अपनी कार को यहाँ पे आगे लगा देते हैं, बस थोड़ा सा आगे और करना है, बस यहीं पे रोक देते हैं, इंजन को बंद करके बाहर निकलते हैं। तो इधर जाके हमें यहाँ पे $43 देने पड़ेंगे, उसके बाद हमारी कार वॉश हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके तो वॉश हो चुकी है हमारी कार, तो जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं। ओके तो इसको पीछे ले लेते हैं थोड़ा सा, बस भाई बस थोड़ी सी चमक तो आ चुकी है अपनी कार में, बस इसको रिपेयर और करवाना है। तो वैसे अभी मैं रिपेयर शॉप पे तो आ चुका हूँ, तो जल्दी से लेके चलते हैं अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए। और मैं ना इस पर कलर भी करवाने वाला हूँ, देखते हैं इस पर कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं भाई इसको, जल्दी से रिपेयर कर दे। ओके तो कलर का भी देख लेते हैं, इसका ना पहले मैं व्हील चेंज कर लेता हूँ, ये वाले नहीं, वेट आगे देखते हैं भाई सबसे महंगे वाले कौन से हैं, ये हैं क्या, नहीं भाई ये वाले डॉज चैलेंजर के नहीं लगते। और ऊपर भी देख लेते हैं, ये भी नहीं भाई, ये वाले थोड़े अच्छे लग रहे हैं भाई, ये ना असली वाले डॉज चैलेंजर के जैसे लग रहे हैं। तो इस मैंने अपनी डॉज चैलेंजर में ये वाली व्हील लगाने वाला हूँ, और इसका कलर हम लोग चेंज कराने वाले हैं, तो इसको ना हम थोड़ा रेड कलर में कर देते हैं। भाई रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा खतरनाक लगेगा डॉज चैलेंजर पे अपनी पे। के तो अभी इस कार को बाहर निकल के देखते हैं एक बार, भाई रेड कलर की लाइट और रेड कलर के टायर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
चाहिए, तो इसको यहाँ पे साइड में खड़ा कर देते हैं, बस थोड़ा सा आगे करके बस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और हम लोग जो सुपरा लेकर आए हैं ना, उसको भी जल्दी से रिपेयर करवाते हैं, उसके बाद उसको बेचने के लिए लगाते हैं। तो उसको लेके चलते हैं रिपेयर शॉप पे, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। ओके, तो गाइस अपनी कार रिपेयर हो चुकी है, तो जल्दी से अपनी कार को लेके चलते हैं अपने ऑफिस पे। मैंने इसको रिवर्स में लेके जाने वाला हूँ और एक छोटी सी ड्रिफ्ट मारते हैं। ओ ये भाई क्या खतरनाक ड्रिफ्ट थी, इसको पार्क करते हैं अभी। ओके, तो गाइस मैंने अपनी कार को यहीं पे पार्क कर दिया है। अभी जल्दी से इस कार का प्राइस लगाते हैं। इसको मैं 50,000 का लेकर आया हूँ, तो इसका प्राइस मैं लगाने वाला हूँ 1,00,000 डॉलर, जैसा कि हर बार लगाता हूँ। पर ये कार ना बस 80,000 तक की बिकती है, उससे ऊपर की ये जाती नहीं है। भाई एक बार ना ये कॉम्बिनेशन देखो, ये हमारी ब्लैक कलर की मस्टैंग, सॉरी डॉज चैलेंजर, और ये रही ब्लैक कलर की सुपरा। तो गाइस अपनी सुपरा के लिए कस्टमर भी आ चुका है और ये बंदा हमें 85 दे रहा है। मैंने बोला था ना ये बंदे सिर्फ 80 तक की देते हैं, उससे ऊपर की देते ही नहीं है। एक बार ना इसको डाल के देखते हैं 1,00,000। नहीं भाई 1,00,000 की नहीं दे रहा, तो वेट करते हैं किसी और कस्टमर का। तो गाइस एक और कस्टमर आया हुआ है जो कि 79 दे रहा है। भाई तू तो निकल जाए यहाँ से, भाई तू ही बता, तू 85 दे रहा है ना, तो फिर 95 में ओके कर दे भाई। 95 में भी नहीं, देख भाई 95 में तो मैं बेच कर ही रहूँगा। तो गाइस अपनी सुपरा के लिए एक और कस्टमर आया हुआ है जो कि 84 दे रहा है, तो इसको भी 95 डाल के देखते हैं। ओके, तो गाइस 95 में ये वाली लड़की हमारी कार को लेके जा चुकी है। और गाइस ये ना मैंने अभी चेक किया, हमारे शोरूम का ना अभी अपग्रेड भी आया हुआ है, तो हम लोग ना अपने शोरूम को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो अपग्रेड हैं। तो पहला है हमारा 60,000 का, और जो 3,00,000 का है वो मैं बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं बचेगा फिर। वैसे हमारे पास अभी बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्पेस हो चुका है, इसमें ना मैं 20+ कार लेकर आ सकता हूँ। तो अभी ना हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है डेकोर का। तो गाइस मैं अपने शोरूम को डेकोरेट भी कर सकता हूँ, तो हम लोग ये बाहर वाला ये चेंज करके देखते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला तो बेकार है भाई, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ी अच्छी फील आ रही है इसमें, इसको लगा के देखते हैं। वेट लगा ही नहीं, रुको हमें फिर से परचेज करना पड़ेगा। कि ये लास्ट वाला है, इसको परचेज कर लेते हैं। कि अभी देखते हैं लगा कि नहीं। ओके, तो ये तो चेंज हो चुका है। ऊपर जो हमारे शोरूम का नाम है वो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो अभी आगे भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। के तो मैं यहाँ पे फ्लोर को भी चेंज कर सकता हूँ, बाहर वाले और अंदर वाले दोनों को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बाहर वाला तो मुझे अच्छा लग रहा है पहले से ही, और ये अंदर वाले को हम ब्लैक कलर का कर देते हैं, कि ये ब्लैक कलर का हमने कर दिया है चूँकि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी ना सो जाते हैं। ओके, तो वैसे अभी ना सुबह हो चुकी है, बट वेट भाई ये वाला फ्लोर देखो एक बार, कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। मुझे तो ये रात में थोड़ा अच्छा सा लगा था इसलिए मैंने लगा दिया, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, तो मैंने पहले वाला फिर से लगा दिया है। भाई ये वाला अच्छा लग रहा है। ओ भाई यहाँ पे कूड़ा भी पड़ा हुआ है, के इसको उठा लेते हैं। हमारा ये शोरूम थोड़ा डब्बे जैसा है ना, इसलिए यहाँ पे लोग कूड़ा भी फेंक जाते हैं, मतलब कोई बात नहीं, उससे भी ना हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो वैसे आज कार मार्केट ओपन था, तो मैं जल्दी से कार मार्केट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी अच्छी कार्स आई हुई हैं। के तो यहाँ पे बहुत सारे पिकअप व्हीकल्स तो मुझे दिख रही हैं, बट वेट यहाँ पे तो वही वाली लैम्बोर्गिनी आई है पर ब्लैक कलर में, जो कि 481,000 की दे रहा है ये वाला बंदा। तो यहाँ पे आगे भी देखते हैं कि वेट यहाँ पे एक बुगाटी भी आई हुई है। गाइस इस बुगाटी का प्राइस ना हमेशा 30 से ऊपर ही होता है, और यहाँ पे एक और लैम्बोर्गिनी है जो कि 5,00,000 की दे रही है ये वाली लड़की। तो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, तो हम लोग ना वो ब्लैक कलर की खरीदने वाले हैं। ये वाले अंकल 481 में दे रहे हैं, तो इसको ना 4,50,000 में ओके कर दो अंकल। ओके, तो गाइस 4,50,000 में हमें ये वाली लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है। गाइस मुझे ना अभी एक और कार चाहिए, मैं सोच रहा हूँ ये वाली लैम्बोर्गिनी मैं खरीद ही लूँ, बट ये वाली लड़की ना 1,00,000 ज़्यादा की दे रही है ये वाली कार। और यहाँ पे एक और लैम्बोर्गिनी है, इसका प्राइस कितना है, 19,00,000। भाई ये तो एकदम खचाड़ा गाड़ी लग रही है, इससे अच्छी तो वो ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी है। तो गाइस सबसे पहले ना हम अपनी लैम्बोर्गिनी को अपने शोरूम पर टूर करा देते हैं, और देखते हैं ये वाली रेड कलर की लैम्बोर्गिनी मैं खरीदने वाला हूँ। तो ये वाली लड़की 5,95,000 में बोल रही है, तो तू ना ये वाली कार हमें 5,50,000 में दे दे। ओके, तो गाइस ये वाली कार हमें 5,50,000 में मिल चुकी है, हमें 1,00,000 का चूना लग चुका है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हमने शोरूम पे ठोकरा दिया है। तो अभी ना हम लोग जल्दी से अपनी डॉज चैलेंजर पे बैठ के चलते हैं अपने शोरूम पे। तो गाइस अभी मैं अपने शोरूम पे तो आ चुका हूँ, तो जल्दी से अपनी कार्स के पास चलते हैं और उनको ना एक एक करके रिपेयर करवाते हैं और अपने शोरूम में खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लैक कलर की कार को मैं लेके आ चुका हूँ, भाई तू जल्दी से इसको रिपेयर कर दे। भाई वेट 58,000 की रिपेयरिंग, भाई इसकी तो बहुत ज़्यादा रिपेयर हुई है, इसको ना आराम से लेके जाना पड़ेगा। भाई थोड़ा सा भी डेंट लग गया ना इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। ब्लैक वाली लैम्बोर्गिनी को तो हमने पार्क कर दिया है, तो अभी रेड वाली कार की बारी है।
तो इसको हम लेकर चलते हैं रिपेयर शॉप पे जल्दी से। तो गैस मैंने अपनी दोनों लैम्बोर्गिनी को रिपेयर करवा के अपने ऑफिस पे खड़ा कर दिया है, तो अभी हम लोग इन दोनों को बेचने वाले हैं और इन दोनों कार्स को बेचने के बाद ना हमारे पास पूरे 20 लाख डॉलर होने वाले हैं। तो अपनी डॉज चैलेंजर को भी अपने शोरूम में अंदर ही खड़ा कर देते हैं, उसको यहाँ पे बीच में लगे खड़ा करते हैं। गैस एक बार ना ये चेक करो, यहाँ पे खड़ी है एक दमदार डॉज चैलेंजर और उसके सामने खड़ी है दो लैम्बोर्गिनी जो कि पूरे 20 लाख डॉलर की होने वाली है। उसके बाद तो हम लोग मैकलेरन भी खरीदने वाले हैं और फिर मैकलेरन को बेचने के बाद हम लोग खरीदेंगे बुगाटी चिरॉन जो कि मेरी फेवरेट कार है इस गेम में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो वाली बुगाटी खरीदने के लिए। और गाइस अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो इस वीडियो में हम लोग एम करते हैं पूरे 20 लाख के लिए और ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सको। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो में। सो गुड बाय।